कितनी ढिलाई चाहते हैं, अपना प्रस्ताव मुझे 15 तारीख के पहले पहले भेजिए। आज 14 तारीख है, हम आज शाम तक अपना प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ये हमसे सुझाव मांगे केंद्र सरकार ने। मैंने तय किया कि ये सुझाव किसी एसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं होने चाहिए, जनता से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट्स से पूछना चाहिए, डॉक्टर्स से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने पांच लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए, और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। आपको बताना चाहता हूं कि लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहां से चले जाएं। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक से सजेशन मांगे थे, कुल मिलाकर 5 लाख के करीब सजेशन आए हैं, उनको सबको प्रोसेस किया गया है और पॉलिसी बनाई जा रही है। एक दो दिन में आपको पता लग जाएगा क्या क्या खुलेगा, और जहाँ तक जो भी खुलेगा सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा 2 महीने के लॉकडाउन के बाद सब चीज़ों को देखने, जो हमारे यूथ हैं उन लोगों के लिए और प्रवासी श्रमिकों और लोअर मिडिल क्लास के लिए जो घोषणा हुई है, ये स्वागत योग्य है। निश्चित ही कोरोना संकट से उभरने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस सेक्टर का अपना एक योगदान है। नींव के पत्थर हैं और इन नींव के पत्थरों को मजबूत करके हम लोग निश्चित ही एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत निर्माण में इन सब के योगदान से आगे बढ़ पाएंगे। मैं इस बेहतर पैकेज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त